हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइड एंड टेस्टेड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आई एक्सरसाइज के बारे में, आंखों की एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको आप कह सकते हैं ये एक मास्टर एक्सरसाइज या एडवांस्ड एक्सरसाइज या फिर गारंटीड वर्ड बोलने से मैं खुद को रिफ्रेन करती हूं, लेकिन आप कह सकते हैं जिसको एक्टिव फोकस अभी तक डिस्कवर करने में प्रॉब्लम हो रही है वह ये एक्सरसाइज को ट्राई करके डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि ये एक्टिव फोकस वाली क्लैरिटी क्या चीज है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं और सोच रहे हैं एक्टिव फोकस क्या चीज है, उनको मैं बता दूं कि ये एक एंड मायोपिया मेथड जो कि है चश्मों से फ्रीडम पाने के लिए एक लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मैं अपनी जर्नी वीकली वीडियोज में आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। तो देखते हैं क्या वो एक्सरसाइज है। चलिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्टूडेंट्स अपने बुक्स के साथ कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स अपने लैपटॉप के साथ कर सकते हैं, और जो दोनों कैटेगरीज में नहीं है वह अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन्स पर भी कर सकते हैं। तो ये सभी कैटेगरीज में जो कॉमन चीज है वह है आपको एक एज ऑफ ब्लर का जो डिस्टेंस है वह आइडेंटिफाई करना होगा। यानी कि लेट्स से अगर कोई बुक या कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऐसे डिस्टेंस पर रहेंगे जहां पर आपको क्लैरिटी एंड हो रही है और ब्लर आपका स्टार्ट हो रहा है। यानी कि क्लैरिटी और ब्लर का जो एक पॉइंट है उस डिस्टेंस पर आपको अपने आप को रखना है इस एक्सरसाइज करने से पहले। और एक बार आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर ले, उस डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर ले, उसके बाद आप अपनी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। और लेट्स से आप कोई बुक के साथ कर रहे हैं और बुक में एक लाइन है, माय नेम इज मीनाक्षी, आई एम प्रैक्टिसिंग एक्टिव फोकस। तो आप सबसे पहले अपनी एक आई क्लोज करेंगे। लेट्स से आप अपनी लेफ्ट आई बंद करेंगे, चाहे किसी की हेल्प से या फिर अपनी ऐसे ही बंद करके। तो आप बंद करेंगे 3 सेकेंड्स तक, फिर ओपन करेंगे और रीड करेंगे। फिर दूसरी आई बंद करेंगे 3 सेकेंड्स, फिर ओपन करेंगे और रीड करेंगे। फिर दोनों आई बंद करेंगे 3 सेकेंड्स, फिर ओपन करके उसको रीड करेंगे। याद रखना यह है कि हमको बिल्कुल भी फोर्स ब्लिंकिंग नहीं करना है। बहुत ही नेचुरल सिंपल वे से बिना किसी फोर्सफुल ब्लिंकिंग के आराम से करना है। 3 सेकेंड्स लेफ्ट आई, ओपन रीड, फिर 3 सेकेंड्स राइट आई, ओपन रीड, फिर 3 सेकेंड्स बोथ आईज, ओपन एंड रीड। तो लेट्स से मैं यही लाइन कैसे रीड करूंगी, माई नेम इज मीनाक्षी, आई एम प्रैक्टिसिंग एक्टिव फोकस। इस तरह आपको सेंटेंस को रीड करना है। तो अगर आप बुक के साथ कर रहे हैं इसको, इसी एक्टिविटी को प्रिंट पुशिंग जो लोग ट्राई करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। उसमें वन वन आई नहीं करते हैं, बेसिकली दोनों आईज के साथ उस डिस्टेंस पर रीड करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से बेनिफिट उसका, अगर दोनों आई का पावर डिफरेंट है, जिसको लेजी आई या वीक आई वाली प्रॉब्लम है, तो आप अपने दोनों आईज को एक पॉजिटिव स्टिम्युलस दे रहे हैं वन एट ए टाइम, दोनों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं दोनों को रीसेट करके अपनी आईज को उस पॉजिटिव स्टिम्युलस एक्टिव फोकस देकर उस पर्टिकुलर लाइन को आप रीड करेंगे। तो अब इसको करने से होता यह है कि अपनी आईज एक तरह से मानो रीसेट हो रही है उसके नेचुरल स्टेट में आने के लिए। तो लेट्स से अगर आप 20 सेंटीमीटर्स तक रीड कर पा रहे हैं और अगर आप उसको 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर्स उसको अवे करते हैं ताकि आपको वो ब्लर का वन नॉच ऊपर जा रहे हैं, आप एक स्टेप उसके आगे जा रहे हैं, तो ऐसे जब आप 22 सेंटीमीटर्स, एग्जाम्पल अगर आप 22 सेंटीमीटर्स पर रीड कर रहे हैं 1 महीना 2 महीना, तो इवेंचुअली ये होगा कि पहले जो आप 20 सेंटीमीटर्स तक क्लैरिटी तक देखते थे अब वही चीज वो 22 बन जाएगी। तो अगर ये सेंटीमीटर इम्प्रूव हो रहा है यानी कि अपनी विजन इम्प्रूव हो रही है, फिर वही 22 जब आपका बन जाए वो क्लैरिटी, तो आपका डिस्टेंस एज ऑफ ब्लर जो है वह बढ़ के 23-24 हो जाएगा। तो ये ग्रेजुअली हमारे विजन को इम्प्रूवमेंट की तरफ हेल्प करता है। अब बात करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, FAQs कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसको चश्मों के साथ करें या विदाउट स्पेक्स करें, ये क्वेश्चन। तो इसके लिए की है एज ऑफ ब्लर डिस्टेंस होना है, फिर चाहे ग्लासेस हो या नहीं हो। लेट्स से जो हाई पावर हाई मायोपिया वाले हैं वो लोग लैपटॉप पर बिना
ग्लासेस के फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग डिफरेंशियल ग्लासेस जो हम इस एंड मायोपिया मेथड में क्लोजअप एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, उन ग्लासेस की हेल्प में आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है उस ब्लर को क्लियर करने के लिए। तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, वन आई, सेकेंड आई एंड बोथ आईज। और लेट्स से आप टीवी देख रहे हैं और सबटाइटल्स के साथ ट्राई करते हैं, तब भी आप डिफरेंशियल ग्लासेस के साथ कर सकते हैं। और लेट्स से अगर आप कोई होर्डिंग पढ़ रहे हैं और वहां की लाइन जो बहुत दूर है उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपके लिए आपके नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस हेल्पफुल रहेंगे। तो आप बेसिकली कोई भी सेंटेंस को लेकर आप कहीं पर भी ऐसी रीडिंग कर सकते हैं, चाहे वो क्लोज हो या फिर अवे हो। अगर पास में है तो आप बिना ग्लासेस के या डिफरेंशियल ग्लासेस के साथ कर सकते हैं, और अगर वही सेंटेंस को आप दूर से ट्राई कर रहे हैं, कोई दूर के टेक्स्ट को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप उसको नॉर्मलाइज ग्लासेस की हेल्प से कर सकते हैं। और डिफरेंशियल और नॉर्मलाइज ग्लासेस अगर आपको अब तक नहीं पता है तो आपको फिर बाकी वीडियोस एंड मायोपिया प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इसको कितनी देर करें। इसको आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं 30 मिनट से, आप सुबह कीजिए 30 मिनट्स, कभी दोपहर में या इवनिंग, कोशिश करके आप 1 आवर तक दिन में स्टार्ट कर सकते हैं। बट इवेंचुअली जैसे मैं वीडियोस में कहती हूँ कि इसको हमें हैबिट में कन्वर्ट करना है, ताकि हमको ये एक्सरसाइज की तरह बर्डन नहीं लगे। तो स्टार्ट में हमको ये एक तरह से एक प्रैक्टिस कॉन्शियसली लगेगी, लेकिन इवेंचुअली ये हमारी हैबिट बन जाएगी। और पॉइंट नोट करने वाली ये है कि आपकी आंखें, अगर आपको कभी भी स्ट्रेसफुल लग रही है तब इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करें। तो बेटर है कि जब आप अपने आप को रिफ्रेश्ड फील करते हैं, जब आप अपने स्ट्रेस नहीं हैं, तब आप इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करें। फिर एक अगला क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कहाँ कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसको कहीं पर भी कर सकते हैं। आप चाहे लैपटॉप पर करें, चाहे बुक्स के साथ करें, चाहे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सबटाइटल्स को ऑन करके करें, कहीं भी कर सकते हैं आप इसको प्रैक्टिस, एज लॉन्ग एज आप स्ट्रेसफुल फील जब नहीं कर रहे हो। अगला क्वेश्चन कि क्या ये एक्सरसाइज सच में वर्क करेगा। तो बेसिकली मेरे बोलने से और आपके वीडियो को सुनने से इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो प्रैक्टिस तो हमको कंसिस्टेंटली डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज को एक 2-3 मंथ्स कंटिन्यूस ट्राई करके देखे कि ये एक्सरसाइज आप पर कितनी वर्क कर रही है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइए कि आप जब एक आई को क्लोज करके ओपन करके 3 सेकंड्स के बाद रीड करते हैं, तो आपको कैसी क्लैरिटी में डिफरेंस लगा, ये एक्सरसाइज आपको ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस फील हो रहा है, मुझे जरूर लिखकर बताएं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप सब स्मार्ट हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।